कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो दो महीने के टाइम दे, इतना 70 वर्ष के पुराना केस को, यह बदतमीजी के भाषा चाहे किसी प्रकार के भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यादेश तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, कैसे? यह जो सिविल सूट है, सिविल सूट में किसका जमीन है? अगर मुसलमान के जमीन होता है तो मुसलमान के मिलेगा, अगर हमारा जमीन है किसका है? ये एकमात्र रामलला के जमीन है। उच्चतम न्यायालय सरकार की ओर इशारा कर रहा है कि जब आप SC ST पर कानून बना सकते हो तो राम मंदिर पर क्यों नहीं कानून बना देते हो? और मौजूदा सरकार की जो ये मानसिकता है ये बिल्कुल दूषित है, बहुत खराब है। जिस तरह से मैं आमरण अनशन पर बैठा था उसके पहले सब मुद्दा सोया हुआ था, कोई नहीं बोल रहा था। अब बाढ़ आ गई है, केवल यश लेने वालों की बाढ़ आ गई है। वो भी बनाना नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि धीरे धीरे आचार संहिता लग जाए, इसके बाद फिर एक बार फिर कुर्सी जो है हथिया ले, अब फिर राम मंदिर जो है तो 4 साल के लिए सो जाएगा, फिर आएगा। ये अब नहीं हो पाएगा। अगर BJP सरकार 1 महीने के अंदर राम मंदिर नहीं बनाती है, कानून बना करके राम मंदिर बनाना शुरू करिए आप। ये पूरे देश की निगाहें नहीं रहती, इसमें नेताओं की निगाहें रहती हैं, लोग प्रचार करते हैं इसका। 70 साल से जो है ये मामला लटका हुआ है। अरे कोर्ट फैसला कर दे, आज कर दे। कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, आस्था पे नहीं चलता कोर्ट। भाई जब 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 हिंदुस्तान में अपनी अदालत है, हिंदुस्तान के लोग फैसला करने वाले हैं, हिंदुस्तान में कोर्ट है, हिंदुस्तान में संविधान बना हुआ है, फैसला कर दो सबूतों के आधार पे। आज कर दो, अभी कर दो, हम मानने।